Lessons of class 5th, here we are with our third chapter, it means second sem ka third chapter jo hai, yani chapter number 12, perimeter area or volume. Let's begin में आपको ये दिया हुआ है कि नीति wants to make a table cloth by joining the following rectangular square and pieces of clothes. उसने अब नीति को एक rectangle बनाना है table के cloth का. ये table है, table का cloth बनाना है उसे. अब उसके पास टुकड़े हैं कपड़ों के, तो अब बताओ कि वो कैसे मैनेज करे. Let us fill in the blanks first. Area of the yellow cloth. Yellow cloth कितने सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर का है. Area of pink cloth. Pink cloth कितने सेंटीमीटर का है? अब area आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पर तो आपको ये लंबाई दे दी और चौड़ाई दे दी. आपको पता है रेक्टेंगल का अपन एरिया कैसे निकालते हैं? तो एरिया निकालने अपन ने सीखा था कि लेंथ इंटू ब्रेथ. इट मीन्स जो 15 है उसको 6 से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ आंसर लिखोगे. फिर पैरामीटर ऑफ ब्लू क्लोथ. अब पैरामीटर कैसे निकालते हैं, ये कैसे पता चलेगा? ये तो एक स्क्वायर है, आपको पता होना चाहिए कि 4 इंटू साइड होता है स्क्वायर का पैरामीटर. सो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसको आप निकालोगे, यानी 4 इंटू साइड यानी 10, इट मीन्स 40 सेंटीमीटर पैरामीटर ऑफ ब्लू क्लोथ. पैरामीटर ऑफ ब्राउन क्लोथ. ब्राउन क्लोथ का पैरामीटर निकालना है तो वो भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको पता होना चाहिए, तो वो क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई करो, और लेंथ कितनी है इस क्लॉथ की, जो ब्राउन क्लॉथ का है उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर. तो 5 प्लस 10 करो, पहले प्लस करो, 2 इंटू 5 प्लस 10 15. तो यहाँ अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 30 सेंटीमीटर इसकी आ रही है. तो ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स. ये आपको यहाँ पर बिल्कुल आपको एरिया तो पता होगा, लेकिन अब आपको यहाँ पर ये वाली चीज़ें लर्न करनी है. वंस शी कम्प्लीट्स द टेबल क्लोथ शी डिसाइडेड टू पुट अ लेस अराउंड इट. अब इसने ये एक रेक्टेंगुलर क्लोथ तो बना लिया टेबल के लिए, लेकिन ये चाह रही हैं कि ये एक लेस लगाए चारों तरफ. What length of the lace will she add? अब कितनी लेंथ की लेस वो इस टेबल क्लॉथ पे लगाएगी? अब यहाँ पे आपको टोटल लेंथ बतानी है. ये एक रेक्टेंगुलर बन गया है, ठीक है, तो कितनी लंबी उसको लेस लगेगी? तो जब उसका पूरा एरिया उसे पता होगा तभी तो वो लगा पाएगी. तो जस्ट यू हैव टू डू वॉट, कि ये एक 15 सेंटीमीटर का एक लंबाई है इसकी लेंथ, और ब्रेथ आपको इन तीनों को प्लस करने पर मिलेगी, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर. 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 11, और ये 1 2, 21 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ हो गई. तो लेंथ इंटू ब्रेथ ये हो गया 15 इंटू 21. सो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ला सकते हो. अब आपके दिमाग में एक आया होगा क्वेश्चन कि मैम पैरामीटर क्या होता है. पैरामीटर एक वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड ग्रीक डिक्शनरी से आया है. पेरी का मीन्स होता है अराउंड, मेट्रॉन का मीन्स होता है मेजर, यानी चारों के इसके अराउंड का जो मेजर है, किसी भी चीज़ के अराउंड का मेजर पैरामीटर कहलाता है. यानी एरिया क्या होता है? अंदर की चीज़, इनसाइड, लेकिन ये जो उसके चारों तरफ है आउटसाइड, वो पैरामीटर कहलाता है. पैरामीटर इज अ डिस्टेंस अराउंड अ प्लेन फिगर और द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ प्लेन फिगर. या तो वो उसके अराउंड का डिस्टेंस होगा उस फिगर के, या तो उस बाउंड्री की मेजरमेंट होगी, ठीक है. वी मेजर पैरामीटर ऑफ अ प्लेन फिगर बाय एडिंग द लेंथ ऑफ ऑल इट साइड्स. सारी लेंथ को आप मिलाकर पैरामीटर निकाल सकते हो. जैसे कि ये फ्लावर 20 मीटर लॉन्ग और 3 मीटर वाइड एरिया में फैला हुआ है. मेहुल ने 5 टाइम्स इस के चक्कर मारे, ठीक है. अब बताओ कि टोटल वो कितने मीटर चला, है ना. ये क्या दिया हुआ है इसका, 20 मीटर ये ब्रेथ दी है, लेंथ दी है 3 मीटर. तो जस्ट यू हैव टू डू कि उसने कितने राउंड मारे, 5 राउंड मारे. तो 5 से इंटू कर दो, 20 मीटर प्लस 3 प्लस 20 मीटर प्लस 3. क्यों? क्योंकि ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 है, तो ये ऐसे आएगा. In each side of the square, table cloth is 3 meter and Priya wants to stitch a border around it. अब ये वाला जो अपने अभी टेबल वाला किया, तो उसमें टेबल पे ये लेस लगाना चाहती हैं इसको बड़ा बना बड़ा करने के लिए, तो कितने मीटर की लेस लगेगी?
तो टेबल क्वेड्स जो स्क्वायर साइड्स पे है, ठीक है। तो स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है ये फॉर्मूला तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन जब उनको रेस लगाना है तो चारों साइड लगाएंगी, तो 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, तो सारी साइड्स को मिला के बन जाएगा इसका पैरामीटर। मैंने आपको बताया था कि एरिया अराउंड द बाउंड्रीज वो भी कहलाता है पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसा होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ + ब्रेथ। तो यहाँ पर हमने एक मिस्टेक करी लगता है, यहाँ हमने एरिया उसे निकाल के बताया जबकि हमें क्या निकालना था 2 × लेंथ + ब्रेथ। तो ये आप खुद कर लीजिए, 2 × लेंथ कितनी है इसकी 15 प्लस ब्रेथ कितनी है 21, तो आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट 36, 2 × 36 और 6 × 3 = 12, तो 1 × 2 = 6, 6 + 1 = 72 सेंटीमीटर की उनको लेस लगेगी। ये मैंने कैसे निकाला, तो मैंने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के थ्रू निकाला, तो ये पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के थ्रू ये निकल गया। स्टूडेंट्स योर होमवर्क इज टू लर्न पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ये वाला फॉर्मूला, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दिस फॉर्मूला, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इसका ट्राइंगल ये है फॉर्मूला, और जब आप इन तीनों को लर्न करोगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।